और अब आपको मैं लेकर आ गया हूं हमारे हाईटेक स्टूडियो में, जहां से आज आपको दिखाएंगे आस्था का संगम, सनातन का समागम, महाकुंभ 2025। ये कितना भव्य होगा, कितना दिव्य होगा, इसका हर किसी को इंतजार है। लेकिन महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही एक नई महाभारत शुरू हो गई है। हिंदू आस्था के खिलाफ नफरती गैंग की कट्टर सोच को लेकर, उस साजिश को लेकर जो बार बार हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का एजेंडा चलाती है, उसी एजेंडे पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अखाड़ा परिषद ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में गैर सनातनियों की दुकान नहीं लगेगी। खुद अखाड़ा परिषद अगले हफ्ते इस मांग पर फाइनल फैसला लेगा, उसके बाद सरकार की बारी आएगी इस फैसले को लागू करे या नहीं। लेकिन उससे पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने अखाड़ा परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से अखाड़ा परिषद के खिलाफ बयान आया है, तो बाबा बागेश्वर से लेकर कई हिंदू संगठनों ने मुस्लिम जमात के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि जिनको सनातन का ज्ञान नहीं है, जिनको हिंदुओं पर पूजा पद्धति का ज्ञान नहीं है, वो महाकुंभ में सनातनियों की पवित्रता का कैसे ख्याल रखेंगे। जिनको राम के नाम से कोई मतलब नहीं है, उनको राम के काम के क्या मतलब है। इस पूरे विवाद की जड़ में है बीते दिनों अखाड़ा परिषद की एक मांग, और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाकुंभ में गैर सनातनी के दुकान लगाने पर विवाद शुरू हो गया है। अखाड़ा परिषद और मुस्लिम जमात आमने सामने आ गए हैं। महाकुंभ में गैर सनातन की दुकान नहीं लगेगी, ये अखाड़ा परिषद की तरफ से कहा गया है। दरअसल अखाड़ा परिषद ने हाल ही में रोजाना इस्तेमाल की चीजों, खासकर धार्मिक कार्यों में उपयोग होने वाली वस्तुओं को मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों से नहीं खरीदने की वकालत की थी, और अब अखाड़ा परिषद के महाकुंभ में गैर सनातनियों को दुकान नहीं लगाने देने की मांग पर विवाद बढ़ गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। साधु संतों के नगर प्रवेश के साथ ही सनातन के सबसे बड़े महापर्व यानी महाकुंभ का आगाज होने लगा है। संगम किनारे आस्था के रंग बिखर रहे हैं, साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है, और इन सब के साथ ही अब विवादों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है। दरअसल महाकुंभ यानी महाकुंभ को जो संचालित करने वाली जो संस्था है अखाड़ा परिषद, उसकी ओर से एक फैसला लिया गया है कि इस बार के महाकुंभ में जो गैर सनातनी हैं वो अपनी दुकानें नहीं लगा सकेंगे। यानी महाकुंभ में सिर्फ और सिर्फ जो सनातनी लोग हैं, जिनकी आस्था हिंदू धर्म में होती है, वही इस बार अपनी दुकानें लगा सकेंगे। और इस फैसले के साथ ही पूरे देश में सियासत गर्म हो गई है। खासतौर से जो मौलवी हैं वो लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद का ये फैसला कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताना बाना है उसको बिखेरने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा। तो जबकि वही देश के जो बड़े साधु संत हैं वो इस अखाड़ा परिषद के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो तमाम वीडियो सामने आ रहे थे जिसमें खाद्य पदार्थों में थूक मिलाने के साथ ही जो मानव अवशिष्ट मिलाया जा रहा था, उसके मद्देनजर ये फैसला बिल्कुल सही है। और हमने देखा है कि इसके पहले सावन के महीने में कांवड़ रूट पर भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया था, और ये कहा गया था कि जो भी दुकानदार होंगे उनको अपनी पहचान जरूरी होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के उसी नक्शे कदम पर चलते हुए अखाड़ा परिषद की ओर से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। अखाड़ा परिषद की जिस मांग को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, उसकी पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाते हैं कि आखिर ये विवाद कैसे खड़ा हुआ और क्या है ये पूरा विवाद। महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिले, ये अखाड़ा परिषद की तरफ से कहा गया है कि सनातनियों को सिर्फ इसमें प्रवेश मिले, इसके अलावा दूसरे समुदाय के लोग इसमें ना जाएं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर एक मांग की गई है अखाड़ा परिषद की तरफ से कि गैर हिंदुओं के शिविर महाकुंभ मेले में नहीं स्थापित हों, महाकुंभ में गैर हिंदुओं को जमीन और सुविधाएं मिले नहीं, ये मांग की गई है कि उनको सुविधाएं ना मिले। गैर सनातन अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए, महाकुंभ में जो भी आए उसके पहचान पत्र की जांच की जाए, महाकुंभ से शाही और पेशवाई शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। महाकुंभ में शाही स्नान जो आप सुनते आ रहे होंगे उसमें शाही शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, पेशवाई शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा।
इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इन शब्दों का। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आधार अनिवार्य होगा, यानी कि उनकी पहचान के लिए उनका आइडेंटिफिकेशन अनिवार्य होगा। ये मांग अखाड़ा परिषद की तरफ से रखी गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सचिव हरिगिरी जी महाराज का सन्यासियों की इस मांग पर क्या कहना है, आपको सुनवा दें। अखाड़ा परिषद के सचिव हरिगिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। गुरु जी, आप लोग की ओर से एक फैसला लिया गया है कि जो गैर सनातनी हैं उनको इस बार अपनी दुकानें महाकुंभ में लगाने की इजाजत नहीं होगी। ये फैसला कितना जरूरी हो गया था, खासतौर से हाल के दिनों में जिस तरीके से तमाम जो घटनाएं थी, जो तमाम तस्वीरें थी, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। पहली बात यह है, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। याचिका दायर हुआ था कि गऊ कशी पे गऊ मांस पर रोक लगाया जाए, बट न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि गऊ का मांस जो लोग खाने पीने का है इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती है, कहीं कोई आदमी खा पी सकता है। हमारा कहने का अर्थ है देश में ऐसा वातावरण न बिगड़े कि किसी प्रकार का, आज मेर में हो चाहे कुंभ मेले में हो, धर्म को देखते हुए कुछ धर्म के लोग हों जो उनके खाने पीने का अधिकार है, मगर वो धर्म के साथ वहां नहीं खा सकते हैं, वो धर्म में वर्जित है। उसको देखते हुए, तमाम वातावरण को देखते हुए कि कुंभ मेले में कोई ऐसा न हो कि संगम तट पे कुंभ मेले क्षेत्र में किसी प्रकार का आप टिफिन में है या वन लाइन है कोई गंदी चीज मंगा रहे हैं जो धर्म के लिए खिलाफ है। मेरा कहने का अर्थ है कि हमारा धर्म है, किसी का धर्म है कि भाई यहाँ सुअर निकल गए तो हम आप अभी तोड़ हो जाएंगे, हमारा नियम है कि यहाँ गऊ मांस आ गया देवी देवता चले जाएंगे। इसलिए मतलब वहां पे किसी प्रकार का टिफिन में या चोरी या छाप या किसी प्रकार का वो चीजें लोग लेके न कहें, हमारा मूलतः अधिकार है। आप जानते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रयागराज स्टेशन, जिसको प्रयागराज स्टेशन कहते हैं, वहां भी दो चार मांस की दुकानें बिकती थी। संगम तक इंडा मांडसम लटरम पटरम गंगा किनारे माघ मेले में मेले बिकता था, उसके लिए भी नगर निगम से प्रार्थना किया गया। खाना पीना मना नहीं है, आप मंडी बनाइए, दीवार बनाइए, महाकुंभ में ना करिए। कहने का अर्थ है कि आप उसको सुरक्षित जगह दीजिए जहां किसी की भावनाओं का आप मजाक मत उड़ाइए, किसी का उपहास मत कीजिए। यात्री यहाँ आता, दो महीना मेले में रहता है, आप वही बगल मछली बेचेंगे, मांस बेचेंगे, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे आप। इस तरीके से कहीं कोई तीर्थ है, हज यात्री है, वहां 10 टो सुबह टांग दे अच्छा लगेगा, उसको मानसिक दुख नहीं, कष्ट नहीं है, तो एक दूसरे का आदर करने का अभ्यास सिखाया जाता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। अब आपको ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने अखाड़ा परिषद के फैसले को सांप्रदायिक बताते हुए क्या कहा है वो भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद का फैसला समाज के बीच नफरत फैलाने वाला है। यूपी सरकार अखाड़ा परिषद पर लगाम लगाए, अखाड़ा परिषद का फैसला वापस हो, ये मौलाना रिजवी ने मांग की है। अगले सप्ताह प्रयागराज में एक बैठक में इस फैसले को औपचारिक रूप से मंजूरी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी भड़के हुए हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। अखाड़ा परिषद ने यह फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी, उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा, और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायती नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले वापस हों। तो अखाड़ा परिषद ने एक मांग रखी, उस पर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ये मांग आखिर उठी क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। ये मांग उठी महाकुंभ की पवित्रता बनाए रखने के लिए, ये जो मांग उठाई गई अखाड़ा परिषद के लिए,
अखाड़ा परिषद की तरफ से वो दरअसल कुंभ की पवित्रता को देखते हुए ध्यान में रखते हुए उठाई गई। सनातन संस्कृति और परंपरा दूषित होने से बचे, ये अखाड़ा परिषद का कहना है। सनातन आस्था को चोट पहुंचाने वाली हरकत ना हो, मेला क्षेत्र में पूजा पाठ के सामानों की शुद्धता बनी रहे, खाने पीने के सामानों पर थूक लगाने के मामले सामने ना आए, फलों को अपवित्र कर बेचने वाली घिनौनी हरकत ना हो, मेला में कोई विधर्मी साधु संत का भेष बनाकर ना आ पाए। बीते कुछ दिनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। इस तरह की हरकतों से सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंची है। गैर हिंदू दुकानदारों के व्यवहार को लेकर भरोसा कम हुआ है और यही वजह है कि अखाड़ा परिषद की तरफ से महाकुंभ से पहले ये तमाम मांग रखी गई है। और इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि अखाड़ा परिषद ने कहा है कि गैर हिंदू ऐसे कोई भी कैंप वहां पर ना लगे। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि गैर हिंदुओं को वहां पर कोई सामान बेचने की इजाजत नहीं हो। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां पर इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, और वहां पर इस वक्त जो विवाद है वो हिंदू और मुसलमान को लेकर है। आशुतोष, आखिर ये विवाद क्यों शुरू हुआ है? अखाड़ा परिषद के जो दावे हैं, अखाड़ा परिषद की जो मांग है, उसको लेकर एक पक्ष नाराज है। बिल्कुल, देखिए, अखाड़ा परिषद ने जो फैसला लिया है उसके पीछे की काफी वाजिब वजहें भी हैं, क्योंकि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें आई थी जिसमें ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा था कि जो खाद्य पदार्थें हैं वहां पर कुछ जो मानव अवशिष्ट हैं वो मिलाया जा रहा है, कहीं पर थूक मिलाया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर लेते हुए अखाड़ा परिषद की ओर से ये फैसला लिया गया है कि इस बार महाकुंभ, चूंकि सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, वहां पर गैर जो सनातनी लोग हैं उनको अपनी दुकानें नहीं लगाने की उनको इजाजत होगी। तो निश्चित तौर पे जो फैसला है वो कोई चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि जो सावन का महीना था, कावड़ के रूट पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया था कि जो भी दुकानदार होंगे उनको बकायदे नेम प्लेट जारी करनी होगी, अपनी पहचान उजागर करनी होगी, और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अखाड़ा परिषद की ओर से ये फैसला लिया गया। लेकिन देखिए, हम लोगों से बातचीत करें उससे पहले हम आपको महाकुंभ की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाकुंभ का जो आगाज है वो नगर आवास के साथ ही जो प्रारंभ हो चुका है। और देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से महाकुंभ यानी जो संगम का किनारा है वहां पर तैयारियां अब अंतिम चरण में है। हमारे साथ आरती स्थल के ये प्रदीप पांडे जी हैं, आरती समिति के। प्रदीप जी, जो फैसला अखाड़ा परिषद ने लिया है उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? अखाड़ा परिषद ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर मूल यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं और यहाँ पर जमीन पे जो होता है वो देखते रहते हैं। और ये स्वागत योग्य इसलिए भी है, यहाँ पर जो भी दुकानदार आते हैं या झूला वाले आते हैं, यहाँ पर कई प्रकार के कार्य करने लोग आते हैं, तो जो भी सनातन गैर सनातनी लोग हैं उनका यहाँ पर आना बाउंड होना चाहिए। उसका कारण ये है कि वो गलत तरीके से तो चीज़ों को परोसते ही हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर तामसी चीज़ों का उपयोग भी किया जाता है, जैसे अंडा हो गया और मीट वगैरह सब हो गया। और उसके साथ ही जो यहाँ पर जो यात्री आते हैं वो मौन रहकर वो मौनी अमावस्या का स्नान करते हैं, और स्नान करते हैं तो, और जब ऐसे कोई व्यक्ति अगर उसमें थूकते हैं या किसी गंदी चीज को मिलाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं चाहूँगा कि योगी जी को तक ये बात जाए कि ऐसे लोगों को यहाँ पर बाउंड किया जाए और उसकी जो पहल है वो अखाड़ा परिषद की ओर से। आशुतोष, तो लोगों की मांग आपने सुन ली और अखाड़ा परिषद की मांग आपने सुन ली, देख ली कि उन्होंने क्या मांग की है और क्यों मांग की है, ये भी हमने आपको बता दिया। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन और उनके दुकानों के खिलाफ एक आवाज उठी है। प्रयागराज के साधु संत नहीं चाहते हैं कि गैर हिंदुओं की दुकानें वहां पर लगे। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अखाड़ा परिषद के फैसले को सही बताया है और तंज कसते हुए कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, राम के काम से तुम्हारा क्या काम है। धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बयान आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जिन्हें सनातन का ज्ञान नहीं है, पूजा पद्धति का ज्ञान नहीं है, महाकुंभ में उनकी दुकान लगेगी तो वो उल्टा ही करेंगे, नाश ही करेंगे। उन्होंने कहा है कि किसी धर्म विशेष के रोजगार का विरोध नहीं हो रहा है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो,
हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला, इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और हम मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई, वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है, तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम। इसलिए उचित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी जवाब आपने सुन लिया है। सन्यासियों के इस फैसले के समर्थन में कौन कौन है आपको वो बता देते हैं कि कौन कौन अखाड़ा परिषद के साथ खड़ा है, यानी कि साधु संत सन्यासियों ने जो मांग रखी है, जो फैसला लिया है, उसके साथ कौन कौन है। अखाड़ा परिषद के फैसले के समर्थन में 8 अखाड़े आए हैं सामने, और फैसले की मंजूरी के लिए अगले सप्ताह प्रयागराज में बैठक करने की बात भी सामने आई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी समर्थन में उतर आए हैं, और उन्हें राम के काम को लेकर जो सवाल उठाए उन्होंने कहा है कि जिनका राम से लेना देना नहीं, जिनका राम से कोई काम नहीं, उनका उनके अंगने यानी कि सनातनियों के अंगने में क्या काम। संस्कृति बचाओ मंच ने भी अखाड़ा परिषद की मांग का समर्थन किया है, कई हिंदू संगठनों ने भी सन्यासियों की मांग का समर्थन किया है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महाकुंभ में गैर सनातनियों की दुकान नहीं लगाने देने की अखाड़ा परिषद की मांग के खिलाफ डिंपल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले, ये लोग मनमानी से देश चलाना चाहते हैं। डिंपल यादव ने कहा है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले, उन्होंने कहा है कि गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने की कोशिश की जा रही है। डिंपल यादव की तरफ से ये बयान सामने आया है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले, ये लोग मनमानी से देश को चलाना चाहते हैं, डिंपल यादव ने निशाना साधा है। हालांकि ये मांग अखाड़ा परिषद की तरफ से उठाई गई है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश, गैर हिंदुओं की दुकानें, गैर हिंदुओं को वहां पर आने जाने की इजाजत नहीं हो, लेकिन डिंपल यादव इसे राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं और वो लिहाजा सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है कि, क्योंकि अगर समाज में कोई भी एक वर्ग अगर पिछड़ा रह जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश का इसमें नुकसान होता है। और आज तक इस तरह की बातें कभी नहीं गई है, कही गई है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध बातें आज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले, ये अपने मन से अपनी मनमानी से देश को चलाना चाहते हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात अखाड़ा परिषद की मांग से क्यों परेशान है, इसके पीछे की वजह धार्मिक कम आर्थिक ज्यादा क्यों है, ये हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, मुस्लिम जमात क्यों बेचैन है, मुस्लिम जमात को जो फैसला लिया गया है या जो मांग की जा रही है उससे बेचैनी क्यों है। महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, महाकुंभ में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचते हैं, महाकुंभ मेला क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस होगा। 2019 के कुंभ मेले में 1.20 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था, महाकुंभ 2025 की इकॉनमी 2-3 लाख करोड़ की संभावना है, और मुस्लिम समुदाय को मौका हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। छोटे मुस्लिम कारोबारियों का जीविका को लेकर सवाल है, उनको लग रहा है कि उनकी जीविका जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगी, अगर कुंभ में वो अपना बिजनेस कर लेते हैं तो साल दो साल की कमाई कर लेंगे, लेकिन अगर कुंभ में उनको जाने की इजाजत नहीं मिलती है तो उनके लिए परेशानी हो जाएगी। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अब तो इस विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद और साधु संतों की मांग पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है साधु संतों की बातों का सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा है साधु संतों का आदर करते हैं। ये बयान डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक की तरफ से सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साधु संतों की बातों का सम्मान करते हैं। इसका मतलब क्या यह है कि साधु संतों ने या अखाड़ा परिषद ने जो मांग रखी है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश ना हो महाकुंभ में, उसका समर्थन सरकार कर रही है।
और यही कहना ब्रजेश पाठक का है क्या? ये एक बड़ा सवाल है साधु संतों की बातों को लेकर ब्रजेश पाठक ने जो बयान दिया उसके बाद। संतों ने कहा है कि जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसकी शुचिता को बनाए रखने के लिए सनातनियों का प्रवेश। देखिए प्रयागराज में हमारे महात्माओं संतों ने जो कहा है हम सब उनका सम्मान करते हैं और उनका आदर करते हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री बैन करने का यह विवाद तब हो रहा है जब महाकुंभ मेले का अनौपचारिक शुभारंभ हो चुका है। अखाड़ों के आगमन का क्रम अब जारी हो गया है। महाकुंभ 2025 का अनौपचारिक शुभारंभ जूना अखाड़े ने रविवार को किया। नगर प्रवेश साथ में किन्नर अखाड़े ने भी नगर प्रवेश किया। महाकुंभ नगरी में हजारों साधु संतों का आगमन शुरू हो चुका है। ये साधु सन्यासी अब संगम नगरी में ही प्रवास करेंगे। अब इसी तरह शेष 12 अखाड़े नगर प्रवेश करेंगे। इन अखाड़ों ने राजसी अंदाज में नगर प्रवेश किया है। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ इनका आगमन हुआ है तो पूरा शहर उनके स्वागत में सड़क पर भी उमड़ा हुआ नजर आया। साधु संतों का शाही जुलूस करीब 1.5 किलोमीटर लंबा था। अलग अलग वेश में रथ पर और घोड़े पर सवार होकर साधु संत जब शहर की तरफ प्रवेश करने में लगे तो हर कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनका स्वागत करने के लिए सड़क पर आ गया। नमः पार्वती पते हर।